नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, हम लोग व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत व्याकरण में रहे काल परिवर्तन के बारे में पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके थे। बच्चों, काल क्या होता है? काल समय सूचित करता है, तो समय के साथ पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध भी कराते हैं। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो काल में तीन प्रकार होते हैं। क्रिया के समाप्ति के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को भूतकाल में, क्रिया का निरंतरता का बोध कराने वाले को वर्तमान काल में, क्रिया के होने वाले बोध कराने वाले को भविष्य काल में अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर परीक्षा की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से तीन अंकों के लिए सूचना अनुसार काल परिवर्तन दिए जाते हैं। तो बच्चों, तीन अंकों के लिए, तीन मार्क्स है आपके लिए, तीन अंकों के लिए सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ आपके लिए तीन मार्क्स होता है। तो इसके आधार पर आप लोगों को अभ्यास पुस्तिका में सूचना अनुसार काल परिवर्तन कैसे किए जाते हैं, आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका के द्वारा अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके आधार पर अगर देखेंगे तो पहला वाक्य है वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है। तो बच्चों, यहां करता तो क्रिया का धातु रूप, तो क्रिया का धातु कर्ता में कर धातु है, इसके साथ त प्रत्यय जुड़ा है, ता प्रत्यय जुड़कर कर्ता बना है, तो इसके साथ ये क्रिया शब्द बन चुका है, यानी कर धातु है और त प्रत्यय है, तो जुड़ने से क्रिया शब्द बनता है। तो त प्रत्यय जुड़ने से यह पुल्लिंग है, तो वह कर्ता, यानी यह वाक्य पुल्लिंगों में प्रयोग है। और यहाँ देखिए है, तो वर्तमान काल में जहाँ हम उत्तम पुरुष है, वहाँ है का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में मैं जब उत्तम पुरुष है, वहाँ हूँ के प्रयोग में वर्तमान काल सूचित होता है। वैसे ही हम उत्तम पुरुष है, वहाँ है में वाक्य प्रयोग होता है। तो वैसे ही वह अन्य पुरुष है, वह यह वहाँ में है में पूर्ण होता है। वर्तमान काल में ये प्रयोग होता है। वैसे ही संज्ञा में, तो संज्ञा शब्द के साथ भी वर्तमान काल में है में पूर्ण होता है, यह ध्यान रखना चाहिए। तो वाक्य वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है, तो इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो बच्चों, वह का रूपांतर भूतकाल में उसने, यानी एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, उसने अपना काम करता का क्रिया रूपांतर उसने अपना काम किया में बदलता है। तो इस तरह भूतकाल का रूपांतर होता है। तो आगे देखेंगे, उसने फल काया। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी पुल्लिंग है, तो यहाँ भी देखिए पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, एकवचन है, तो ने प्रत्यय है, तो यह वाक्य भूतकाल में सूचित है। तो इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदलना होगा। तो वर्तमान काल में इसका प्रयोग
उसने को कम्प्लीटली हमें निकालना होगा। उसने उसका एकवचन पुल्लिंग रूप वहा में रूपांतरित होता है। वह फल काया, यानी काया जो है यहाँ भी देखिए क काया का धातु है, तो यहाँ काया भूतकाल में प्रयोग हुआ है, तो यह वैसे ही धातु को ले लीजिए। निरंतरता का बोध के लिए हम लोग रहा है लिखेंगे, तो वह फल का रहा है वर्तमान काल में प्रयोग होता है। तो इसके बदले में आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वह फल काता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो तीसरा, सुदा हस्ती है, सुदा अस्ती है, तो यहाँ क्रिया शब्द है, सुदा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हस, हस क्रिया का धातु रूप है, ती प्रत्यय है, तो स्त्रीलिंग होने के नाते ती में प्रयोग हुआ है, हस्ती है। यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है, तो इस वाक्य को हमें भविष्य काल में बदलना होगा। तो यहाँ सुदा लड़की है, लड़की का नाम है, संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, वैसा ही लिखिए, हस्ती के बदले, तो हस यहाँ धातु रूप को लीजिए, तो स्त्रीलिंग में हस के साथ हमेशा भविष्यत काल में हेगी, एकवचन स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का प्रयोग हेगी प्रत्यय से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ हसेगी, हसेगी लिखना जरूरी है, तो सुधा हसेगी, यहाँ भविष्यत काल का रूपांतर है। तो आगे देखेंगे बच्चों, पद लिखे सुधास पुलिंग है, संज्ञा शब्द है, ने प्रत्यय होने के यह वाक्य भूतकाल में प्रयोग हो रहा है, अनेक पद लिखे, यानी सुरदास महान व्यक्ति होने के नाते बहुवचन में प्रयोग है, बहुवचन पुल्लिंग है, तो यह वाक्य ने प्रत्यय होने के नाते भूतकाल में सूचित है, तो इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में बदलना होगा। तो कंप्लीटली हमें वर्तमान काल में ने प्रत्यय को निकालना चाहिए, सूरधास। सो वर्तमान काल में ने प्रत्यय कंप्लीटली हमें निकालना होगा, सूरदास अनेक पद लिखते हैं, अनेक पद लिखते हैं। आगे पांचवा देखेंगे, बालक का रहा था, बालक का रहा था, तो कंटिन्यू टेंस है, रहा होने के नाते कंटिन्यू टेंस में यहाँ सूचित हो रहा है, बालक पुल्लिंग है, पुल्लिंग का क्रियारूप खा है, था में प्रयोग हुआ है, यह वाक्य भूतकाल में सूचित है, तो इस वाक्य को हमें भविष्यत काल में परिवर्तन करना होगा। तो भविष्यत काल में हम लोग प्रयोग करेंगे तो बालक क्रिया का मूल रूप ख को वैसे ही लेंगे, तो का के साथ हेगा प्रत्यय जुड़ने से काएगा बन जाता है, यानी एकवचन पुल्लिंग रूप में हमें बदलना होगा भविष्यत काल में। अगर आपको भविष्यत काल में क क्रिया रूप के यानी क क्रिया धातु के साथ हेगा प्रत्यय जुड़ने से काएगा बन जाता है, तो ये भविष्यत काल का रूपांतर है, क हेगा, तो भालक काएगा, तो भालक का रहा था रूपांतर भविष्यत काल में भालक काएगा। आगे देखेंगे छठा,
कल मेहमान आएंगे, कल मेहमान आएंगे। तो बच्चों यहाँ मेहमान बहुवचन में प्रयोग है और हेंगे प्रत्यय, देखिए हाँ क्रिया रूप है, हेंगे प्रत्यय से जुड़ा हुआ है, यहाँ भविष्यत काल में सूचित है। तो इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा, तो भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। कल मेहमान आए थे, तो कल शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है, कल यानी एस्टरडे, दूसरा अर्थ है नेक्स्ट डे। तो भविष्य काल में नेक्स्ट डे अर्थ में सूचित होता है, तो भूतकाल में एस्टरडे का अर्थ दिए जाते हैं। तो कल मेहमान आए थे, तो यहाँ बहुवचन में सूचित होने के नाते यहाँ क्रिया रूप अंतर को हमें बहुवचन में ही सूचित करना जरूरी है। तो कल मेहमान आए थे, तो भूतकाल का रूपांतर कल मेहमान आए थे। माताजी मंदिर जाएगी, माताजी स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रयोग है, मंदिर जाएगी। तो यह वाक्य विशेष काल में प्रयोग है, यह वाक्य भविष्यत काल में सूचित है, इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में चेंज करना होगा। तो वर्तमान काल में रूपांतरित वाक्य माताजी स्त्रीलिंग वैसा ही लिखिए, मंदिर जाएगी, यानी यहाँ क्रिया का मूल रूप धातु को लिखिए जा। तो माताजी मंदिर जाती है, स्त्रीलिंग होने के नाते है प्रयोग लिखिए, वर्तमान काल में जाती है में रूपांतरित होता है। तो वर्तमान काल का रूपांतर माताजी मंदिर जाती है। आठवां, शिकारी शिकार करेगा, शिकारी शिकार करेगा। तो यहाँ पुलिंग एकवचन है, तो क्रिया शब्द है करेगा, तो यह वाक्य भविष्यत काल में सूचित है, तो इस वाक्य को हम भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में इसका प्रयोग शिकारी शिकार तो दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ शिकारी ने शिकार किया, शिकारी शिकार करेगा। तो यह वाक्य भूतकाल में ने प्रत्यय के साथ जुड़ता है, तो शिकारी ने शिकार करेगा का क्रिया रूपांतर किया में रूपांतरित होता है। तो भूतकाल में इसका रूपांतर शिकारी ने शिकार किया में बदलता है। आगे देखेंगे, गोपाल दूध का व्यापार करता था, गोपाल दूध का व्यापार करता था। तो यहाँ क्रिया रूप को देखिए, पुल्लिंग
एकवचन में प्रयोग हुआ है, गोपाल संज्ञा है, तो पुल्लिंग एकवचन है, तो यह वाक्य भूतकाल में सूचित है। तो इस वाक्य को हम लोग वर्तमान काल में बदलना होगा, इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलना होगा, तो तब गोपाल दूध का व्यापार करता है लिखना चाहिए। तो यहाँ देखना चाहिए, हर एक वाक्य में क्रिया रूप को देखना चाहिए, वह एकवचन है या बहुवचन, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये देखने के बाद काल का रूपांतर हम लोग कर सकते हैं, तो इसे नोटिस करना जरूरी है। आगे देखेंगे तो पिताजी मैसूर जा रहे हैं, तो पिताजी पुल्लिंग बहुवचन है, पिताजी मैसूर जा रहे हैं, तो झा क्रिया रूप है, क्रिया का मूल धातु है, क्रिया का मूल धातु झा है, रहे है निरंतरता का बोध करता है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में जैसा संज्ञा का क्रिया रूप, सॉरी संज्ञा का पुल्लिंग बहुवचन है, वैसा ही उस प्रयोग को लिखिए, पिताजी मैसूर जा रहे हैं, तो मैसूर गए, तो झा का क्रिया रूप गए में बदलता है, तो पिताजी मैसूर गए इसका रूपांतर होता है। आगे 11 उसने, तो ने प्रत्यय है, यह वाक्य ने प्रत्यय देखने के बावजूद हमें मालूम होना चाहिए यह वाक्य भूतकाल में सूचित है। तो उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, तो यह खोलना, खोलना का क्रिया रूपांतर भूतकाल में खोला में प्रयोग हुआ है, तो क्रिया के समाप्ति के बारे में जानकारी दे रहा है, तो यह वाक्य भूतकाल में सूचित यह वाक्य को परिवर्तन करना चाहिए भविष्यत काल में, तो भविष्यत काल में इसका रूपांतर करते हैं, तो उसने इसे कंप्लीटली हमें निकालना होगा, उसने के बदले यहाँ पुल्लिंग एकवचन है, तो अन्य पुरुष में हमें प्रयोग करना चाहिए, अन्य पुरुष में बहुवचन में उसने का रूपांतर वहां में बदलता है, तो दरवाजा खोला, तो उसमें क्रिया का धातु रूप को लेगा, तो खोलना में खोल जो है क्रिया का मूल धातु है, उसमें एगा प्रत्यय जुड़ने से क्रिया का पुल्लिंग रूप हो जाता है, भविष्यत काल में यह क्रिया रूपांतरित खोलेगा में बदलता है, वह दरवाजा खोलेगा। आगे देखेंगे, उसे सम्मानित किया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा, तो झा क्रिया का मूल धातु है, हेगा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यह वाक्य भविष्यत काल में यह वाक्य सूचित है, तो इसका रूपांतर हमें भूतकाल में करना होगा, तो भूतकाल का रूपांतर, तो वैसे ही इसे लिखिए, उसे सम्मानित, उसे सम्मानित किया, झा क्रिया रूप भूतकाल में गया में बदलता है, क्योंकि झाएगा एकवचन पुल्लिंग है, तो गया भी एकवचन पुल्लिंग है, भूतकाल में सूचित
रूपांतर है, तो उसे सम्मानित किया गया। आगे माला गाना गाती है, माला गाना गाती है, तो माला स्त्रीलिंग एकवचन है, तो संज्ञा शब्द है, घाना घाती, तो यहाँ देखिए घाती स्त्रीलिंग रूप है का प्रयोग हुआ है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है, तो इसे हमें भविष्य काल में बदलना होगा, तो भविष्य काल में यह वाक्य माला घाना घाएगी, तो स्त्रीलिंग एकवचन है, तो घ क्रिया का धातु रूप है, हेगी प्रत्यय जुड़ने से घाएगी भविष्य काल का रूपांतर है, तो इसका रूपांतर माला घाना घाएगी में प्रयोग होता है। आगे देखें, नेताजी भाषण देंगे, नेताजी भाषण भाषण देंगे, तो बच्चों यहाँ देखिए नेताजी बहुवचन है, तो यहाँ भी क्रिया रूप बहुवचन में प्रयोग हुआ है, तो देंगे यानी देना का क्रिया का धातु रूप दे है, देंगे, तो इसका रूपांतर यानी यह वाक्य भविष्यत काल में सूचित है, तो भविष्यत काल में सूचित इस वाक्य को वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में परिवर्तन करना होगा, तो वर्तमान काल में इस वाक्य का प्रयोग नेताजी पुल्लिंग बहुवचन है, तो वैसा ही लिखेंगे भाषण, वैसा ही लिखो, और देंगे के बदले देते हैं, तो दे क्रिया रूपांतर वर्तमान काल में देंगे का क्रिया रूपांतर देते हैं में बदलता है, तो इस तरह वर्तमान काल में नेताजी भाषण देते हैं में प्रयोग होता है। आगे 15, कई अनाथालय भी खुलेंगे, कई अनाथालय भी खुलेंगे, तो यहां देखिए क्रिया रूपांतर है, तो क्रिया यानी कुलना, कुलना का मूल धातु यानी क्रिया का मूल रूप कुल है, तो हेंगे प्रत्यय जुड़ने से कुलेंगे में प्रयोग हुआ है, यह वाक्य भविष्यत काल में सूचित है, तो भविष्यत काल में सूचित इस वाक्य को हमें भूतकाल में परिवर्तन करना होगा, तो भूतकाल में इस वाक्य का प्रयोग कई अनाथालय भी भूतकाल में खुले, कई अनाथालय भी खुले, तो क्रिया का मूल रूप कुल का भूतकाल रूपांतर खुले में बदलता है, कई अनाथालय भी खुले। 16, श्याम काम करेगा, श्याम काम करेगा, तो बच्चों यहाँ करना क्रिया शब्द का मूल रूप कर जो है हेगा प्रत्यय जुड़ने से करेगा है, श्याम पुल्लिंग एकवचन है, तो क्रिया रूप करेगा एकवचन रूप में परिवर्तित है, तो यह वाक्य भविष्य काल में सूचित है, तो इस भविष्य काल में सूचित वाक्य को परिवर्तन करना होगा भूतकाल में,
तो भूतकाल में इसका प्रयोग श्याम श्याम ने काम करेगा का भूतकाल रूपांतर किया में बदलता है। जहां ने प्रत्यय है तब आप लोगों को किया में रूपांतरित करना होगा। श्याम ने काम किया, उसने करवट बदली। तो बच्चों यहाँ ने प्रत्यय है तो एकवचन में प्रयोग हुआ है। यह वाक्य भूतकाल में सूचित है तो भूतकाल में सूचित इस वाक्य को वर्तमान काल में परिवर्तन करना होगा। तो वर्तमान काल में परिवर्तन करते वक्त उसने कम्प्लीटली हमें निकालना होगा। उसने प्रयोग को हमें अन्य पुरुष में लिखना होगा। तो अन्य पुरुष वहाँ, तो वह करवट बदली स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है तो यहाँ बदलती है। वह करवट बदलती है वर्तमान काल में रूपांतरित वाक्य है। वह करवट बदलती है। आगे देखेंगे तारा, माताजी पत्र लिखेगी। तो स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। लिखना का क्रिया धातु रूप लिख है तो हेगी प्रत्यय जुड़ने से लिखेगी हुआ है। तो यह वाक्य भविष्यत काल में सूचित है। तो भविष्यत काल में यह सूचित वाक्य को हमें बदलना होगा। भूतकाल में इस वाक्य को परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में माताजी ने पत्र लिखा, माताजी ने पत्र लिखा में परिपूर्ण होता है। तो इस तरह भूतकाल का परिवर्तन माताजी ने पत्र लिखा। आगे, उसने अध्यापक से बात की। तो उसने एकवचन पुल्लिंग रूप है तो उसने का रूपांतर वहां में बदलना चाहिए। तो यह वाक्य तो ने प्रत्यय, बच्चों उसने में ने प्रत्यय है। ने प्रत्यय होने से यह वाक्य भूतकाल में सूचित है। तो भूतकाल में सूचित इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में परिवर्तन करना होगा। तो वर्तमान काल में इस वाक्य का रूपांतर उसने कंप्लीटली निकालना होगा। उसके बदले अन्य पुरुष वह का प्रयोग करना होगा। वह अध्यापक से भात की प्रयोग वर्तमान काल में रूपांतरित होता है करती है। वह अपने विचार व्यक्त करता है। तो एकवचन पुल्लिंग है, वह पुल्लिंग अन्य पुरुष है। तो यह वाक्य है पूर्ण हुआ है तो निरंतरता का बोध प्रयुक्त हो रहा है। यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो वर्तमान काल में सूचित इस वाक्य को भविष्यत काल में बदलना होगा। तो भविष्यत काल में इस वाक्य का रूपांतर
वह अपने विचार व्यक्त तो कर्ता का मूल रूप जो है कर, कर को लेंगे तो कर के साथ पुल्लिंग हेक वचन होने के नाते हेगा प्रत्यय जुड़ेगा तो कर के साथ करेगा में रूपांतरित होता है। तो भविष्यकाल में रूपांतरित वाक्य वह अपने विचार व्यक्त करेगा में बदलता है। तो आगे सैनिकों ने देश का नाम रोशन किया, सैनिकों ने देश का नाम रोशन किया। सैनिकों ने प्रत्यय से जुड़ा हुआ है, सैनिकों ने देश का नाम रोशन किया, किया क्रिया रूप है, तो यह वाक्य भूतकाल में सूचित है। तो भूतकाल में सूचित इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में परिवर्तन करना होगा। तो वर्तमान काल में यह वाक्य ने प्रत्यय को निकाल कर लिखना होगा, यानी सैनिक के साथ को प्रत्यय भी नहीं जुड़ना चाहिए, यहाँ सैनिक प्रयोग होना चाहिए। सैनिक देश का नाम रोशन, सैनिक देश का नाम रोशन के नाते यहाँ क्रिया रूप कर का क्रिया यानी किया का रूपांतर करते में बदलना जरूरी है। सैनिक देश का नाम रोशन करते हैं, सैनिक देश का नाम रोशन करते हैं। आगे देखेंगे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो लड़के पुल्लिंग बहुवचन है, खेल रहे बहुवचन क्रिया रूप है, तो है में प्रयोग हुआ है, यहाँ निरंतरता का बोध हो रहा है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में प्रयोग है। तो इस वाक्य को हमें, इस वाक्य को भविष्यत काल में हमें परिवर्तन करना होगा। तो भविष्यत काल में यह वाक्य लड़के पुल्लिंग बहुवचन वैसा ही लिखिए, मैदान स्थान सूचित है में यहाँ खेल क्रिया का रूपांतर वैसे ही लिखिए। तो केला का मूल धातु रूप केल है, तो भविष्यत काल में इसका रूपांतर बहुवचन होने के नाते एंगे प्रत्यय से जुड़ना चाहिए, तो यहाँ केलेंगे में प्रयोग होना जरूरी है। तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं, उसका भविष्यत काल रूपांतर लड़के मैदान में खेलेंगे होता है। तो आगे देखेंगे हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ वाक्य है, तो बहुवचन पुल्लिंग है, तो निरंतरता का बोध है, तो वह यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है। तो वर्तमान काल में सूचित इस वाक्य को परिवर्तन करना होगा, भूतकाल में इस वाक्य को परिवर्तन करना होगा। तो भूतकाल में इसका प्रयोग हमारे शिक्षक प्रश्न यहाँ करते हैं, करते का क्रिया का मूल धातु रूप कर है, तो कर यहाँ भूतकाल में प्रयोग होता है, करते थे। हमारे शिक्षक प्रश्न करते बहुवचन में है के बदले यहाँ भूतकाल सूचित ते में बदलता है, तो
क्रिया के समाप्ति का रूप को हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारे शिक्षक प्रश्न करते थे, भूतकाल का रूपांतरित वाक्य है। आगे, भूड़ों को देख युवक हंसते हैं, भूड़ों को देख युवक हंसते हैं। तो यहाँ भूड़ो बहुवचन पुल्लिंग रूप है, तो यहाँ भी क्रिया का रूप पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग हुआ है। निरंतरता का बोध होने के नाते यह वाक्य वर्तमान काल में सूचित है, तो इस वाक्य को हमें भविष्यत काल में चेंज करना होगा। तो भविष्यत काल में यह वाक्य बूढ़ों को देख युवक, क्रिया का मूल रूप असना का क्रिया का धातु रूप हस होता है, तो भविष्यत काल में हस धातु के साथ पुलिंग बहुवचन होने के नाते हेंगे प्रत्यय जुड़ना जरूरी है। तो यहाँ हस हेंगे असेंगे, तो भविष्यत काल का रूपांतर वाक्य यह होता है, बूढ़ों को देख युवक हंसेंगे। तो बच्चों, इस तरह अभ्यास पुस्तिका में आधारित 25 वाक्यों को सूचना अनुसार हम लोग काल परिवर्तन कर चुके हैं, तो इसके साथ साथ हम लोग अध्ययन भी कर चुके हैं। तो बच्चों, तो काल के तीन प्रकार जो समय को इस आधार पर सूचित करते हैं, जो क्रिया के समाप्ति को बोध कराने वाले शब्द बुधकाल कहलाते हैं, निरंतरता का ज्ञान सूचित करने वाले शब्द वर्तमान काल कहलाते हैं, वैसे ही क्रिया का होने वाले ज्ञान का बोध कराने वाले शब्द भविष्यत काल कहलाते हैं। तो इसके आधार पर जुड़ित वाक्यों को सूचना अनुसार काल परिवर्तन हम लोग कर चुके हैं। तो बच्चों, यह आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से 3 अंकों के लिए अभ्यास करना होगा। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण करना होगा। तो बच्चों, अभ्यास पुस्तिका पूरा करो, स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।